अस्सलामुअलैकुम। आज जो है ना, मैंने इस कबर्ड की करनी है जी सफाई। ये शीशे के पीछे है जी कबर्ड बनी हुई है, जिसको मैंने कोई बहुत दफ़ा साफ़ किया, और जिसमें हर गंद जो है ना वो मैं घुसा देती हूँ। बच्चों की पहुँच से दूर रखने के लिए ना मैं ये अलमारी खोलती हूँ और यहाँ पे जी चीज़ रख देती हूँ, और फिर मैं खुद भी भूल जाती हूँ। और बच्चों की वजह से ना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर दवाइयाँ, मेकअप, मेरी ज्वेलरी और भी बहुत सी कुछ चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ये देखें ईसा को, जब भी मैं ये अलमारी खोलती हूँ ना, फटाफट से आ जाता है कि यार यहाँ पर काफ़ी चीज़ें माँ ने छुपाई हुई हैं जिस पर हम लोगों ने कब्ज़ा करना है। तो बस मुझे ये डर होता है कि यार बच्चा मुंह में ना डाले, देखें ये यहाँ पे शुरू हो गया कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के दे। और कमरे की हालत जो है ना वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुई हुई है कि इतना गन डला हुआ है, खिलौने वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि मैंने समेटना है। सुबह से पता नहीं मैं कितनी दफ़ा समेट चुकी हूँ। मैंने सोचा यार आज इस अलमारी का कुछ देख लिया जाए, कुछ साफ़ सूफ कर लिया जाए, क्योंकि अब तो इसमें जगह भी नहीं है कुछ ओई और चीज़ रखने की। तो यहाँ पे ना मेकअप भी पड़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा टेंशन अपने मेकअप की है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं सोच रही हूँ कि यार इसको किसी सही जगह पे रख करके रखूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, और अपना मेकअप भी दिखा दूँगी। और यहाँ से जी एक एक पोर्शन जो है ना वो करके साफ़ सफ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने निकाल लिया है बॉक्स, और ईसा को जो है ना वो यहाँ पर मेरे पास ही था, तो लेकिन उसको मैंने बिज़ी किया वह कार्टून लगा के। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा काम कर लिया जाए। यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, मैंने सोचा उसके अंदर जो है ना मेकअप वगैरह ट्रांसफ़र कर दूँ। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल ली हैं। अब अल्लाह करे ईसा मुझे तंग ना करे, और वीडियो जो है ना वो अच्छे से शूट हो जाए, और मेरा काम भी जो है ना वो भी अच्छे से हो जाए। चलें जी करते हैं स्टार्ट, और आपके साथ करते हैं जी शेयर। तो ये रहा जी बॉक्स। हम लोगों ने ना एक्चुअली की थी शिफ्टिंग, उस शिफ्टिंग के दौरान ना मेकअप इसी बॉक्स में रहा, तो इसी बॉक्स में अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इतना किया भी नहीं है पहले पहले कभी। फिर भी मैं वीडियो बना लेती थी तो मेकअप की ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन आजकल जो है ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और ये रही जी मेरी मामा, जिनकी डेथ हो चुकी है, और आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी मामा की मगफिरत करे, और अल्लाह ताला जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब यहाँ से जी एक्स्ट्रा सामान जो है, सबसे पहले हम लोग वो करते हैं फारग। इसमें एक शॉपर रखती हूँ जिसमें सारा गन डालना है। तो मेकअप का हाल जो है ना मुझे लग रहा है काफ़ी बुरा हो चुका है, क्योंकि ज़ाबिल की पहुँच में भी था मेकअप, और मेकअप जो था ना वो मेरा पकड़ता था। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जब जुनैर पैकिंग कर रहे थे ना, जुनैर ने ना बाहर सब कुछ लिखा था। अब ये देखें जुनैर ने क्या लिखा है, ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, धोखा देने वाली चीज़ें। जुनैर कहते हैं कि मेकअप जो है ना वो होता है जी धोखा, जो कि मर्दों को देता है धोखा। तो उन्होंने बॉक्स के बैठना ये लिख दिया था। और ये राजी ज़ाबिल के वो जो इंजेक्शन लगते हैं ना पैदाइशी, ये वो वाला इसकी पड़ी हुई है, कार्ड पड़ा हुआ है। तो ज़ाबिल को ना अभी 4 से 5 साल के दरमियान जो लगता है ना एक इंजेक्शन, वो भी लगना है। तो ये मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, अच्छा हुआ मुझे मिल गया। और ये रही जी फोटोग्राफ्स, जो कि मैं मामा की तरफ से लेके आई थी, पिक्चर्स ना वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैं फिर वहाँ से उठा के ले आई एल्बम। तो ये काफ़ी पुरानी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मेरी भी हैं बीच में, मामा की भी हैं, मामा की शादी की भी हैं, अबू जान की भी हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स की भी हैं बीच में ना। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले निकली है जी ज़ाबिल की वॉच, ये इसके चाचू ने उसको गिफ्ट की थी। यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें निकलती जाएंगी ये मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसमें देखें सॉक्स भी पड़ी हुई हैं, मैंने आपको बताया ना जो चीज़ मिलती थी ना वो मैं यहाँ पे रख देती थी। अब यहाँ पे ना इसके अंदर ना ये छोटे छोटे टॉप्स थे, वो मैंने ऑर्डर किए थे, तो जब मैंने पहनने थे तब मुझे मिले नहीं थे, और अब देखे जी कहाँ से मिल गए हैं। तो बड़े प्यारे क्यूट से ये थे टॉप्स, मुझे अब इनका पेज नहीं याद है जहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ से मैं कपड़े वगैरह भी जो है ना मैं यहाँ से ही ऑर्डर करती हूँ। ये देखे छोटे छोटे टॉप्स है, ये 100 ही उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा दे दिए थे। अच्छा जी अब आप लोग देखते जाएँ, और यहाँ पे ना मैं आपको टॉप्स भी थोड़े से निकाल के दिखाती हूँ। टाइम जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार फटाफट से काम जो है वो फटाफट ख़त्म करने की करें, क्योंकि अभी ईसा तंग नहीं कर रहा। ये देखें जी कितने क्यूट से हैं ये, मुझे इस तरह के टॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद थे शादी से पहले भी, मेरे पास अभी भी पड़े हैं, मैं काफ़ी जो हैं वो मैं दे भी चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास पड़े हैं। दिल करता है यार मैं इनको जमा करूँ। अच्छा जी इसके बाद मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगी वो है जी मेरी शादी की आई शेडो पैलेट। ये ना मेरी मतलब भरी में जो होती है ना ये वो वाली थी। तो यहाँ पे ना यार एक कपड़ा कोई ढूंढ लेते हैं, जिससे ना मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ साथ ना साफ़ भी करती जाऊँ, क्योंकि इस पर काफ़ी मुझे लग रहा है डस्ट भी पड़ी हुई है। तो इसको साफ़ करके अच्छे से फिर ही हम लोग जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करते हैं। अच्छा जी ये देखें ये चेक करें आप, इसके जो शेड्स हैं ना वो मुझे बड़े प्यारे लगे थे, बड़े अच्छे लगे थे। तो वैसे मैंने अभी तक यार इसको सही से यूज़ नहीं किया। ये देखें बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है अभी तक मेरी,
तो करेंगे इंशाल्लाह यूज़। अच्छा यार, सबसे पहले ना मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। देखो यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके यार बता दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को जो है मेरे सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग मुझे ना, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया ना, उससे ज़्यादा मेरी वीडियो वो वॉच करते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली यार, जब वीडियो वॉच करते हो तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कमेंट करके बता दिया करो कि अगर मेरी गलती कोई भी लगती है आपको, बुरी कोई बात लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करो, फिर आगे से जो है ना बंदा इम्प्रूव करता खुद को। तो यहाँ पे जी ये देखिए, ये ग्लिटर, ये भी मुझे बड़े पसंद थे, ये भी मैं जुनैर के साथ जाके लेके आई थी। आई थिंक ये मैं अपने देवर की शादी पे लेके आई थी, तब मैंने ना मेकअप जो था ना वो करना था खुद, माइयों पे, मेहंदी पे भी, तो फिर मैं ये लेके आई थी खुद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ये। और ये देखिए जी, अब मैंने इसको अंदर से भी सारा साफ़ किया है। अच्छा, इसके भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका शेड, इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ कि ये रहा जी मेरा मेकअप। अच्छा, अब इसमें से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकालती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद जी ये वाली जो आई शेडो पैलेट है ना, ये मैंने ली थी शादी से पहले, ख़ुद से बाय की थी ये मैंने। इसको भी साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यार, स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं ऊपर, चलो कोई नहीं, गल खैर है, ये सब तो फिर चलता है। अच्छा, ये देखिए इसके भी शेड जो है ना वो बहुत प्यारे लाइट से शेड्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे शेड्स थे इसके ना। इसको भी मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया एक्चुअली। मुझे मेकअप ना जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत क्रेज़ है मुझे, मेकअप बहुत पसंद भी है, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मुझे करना बिल्कुल भी नहीं आता ना। मैंने कभी इस तरह से किया है, मतलब एक बार मैंने किया, एक दो बार किया, अपने देवर की शादी पे किया था, तब मुझे अच्छा लगा था, तब मेरी तारीफ़ भी हुई थी कि अच्छा किया। कि यार ये होता है कि आपके पास अगर टाइम है ना तो आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको खुद से आ भी जाता है, बजाय इसके कि लोगों के तरले करो कि हमें सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। आप यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब में आजकल क्या नहीं मिलता है यार, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, ये देखो यार, ये ज़ाबिल ने ना मेरी तोड़ दी है, ये मुझे इतने मेरे फेवरेट कलर थे ना इसमें, तो ये ज़ाबिल ने ना तोड़ दी है, इसके शेड बड़े अच्छे थे। अच्छा, ये जो था ना, ये मुझे मेरी शादी में ना मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, इसके भी शेड्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। ये ना मतलब स्मोकी आइज़ के लिए है ये, इसके शेड्स जो है ना वो सारे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है मेकअप का। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, इसको मैं दिखाती हूँ, ये देखें यार कितने प्यारे इसके शेड्स हैं। इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ, लेकिन फिर भी लग ये भी न्यू ही रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ यार। ये देखें, इसके भी अच्छे शेड्स हैं। और ये जी एक छोटू सा आई शेडो पैलेट है, ये मुझे जुनैर ने गिफ्ट किया था। काफ़ी मेकअप का सामान ना मैंने ऑर्डर किया था, तो ये जो जुनैर ने मुझे दिया था यार, ये देखो ये भी इतना प्यारा पीच सा शेड है, ये ग्लिटरी सा, ये भी ज़ाबिर ने नीचे फेंक के तोड़ दिया हुआ है। ये भी जो है ना ब्लश ऑन, ये भी पिंक कलर का, ये तो अंदर से मुझे लगता है ख़राब हो ही चुका है। देखें क्या हाल हो चुका है उसका, चले जिसको करते हैं ठीक। उसके बाद मैं कर दोबारा से आपके साथ शो करती हूँ, ये देखें जी इसके अंदर से मैंने ये निकाला, निकाल के इसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको मैंने साफ़ करके ना सारा अंदर वापस डाला है। और ये रही जी मेरी पोनी, जब लगानी होती है तब मिलती नहीं है, वही बात है यार, जब आप चीज़ ढूंढ रहे हो ना तब आपको मिलती नहीं है, और जब आप कोई और काम कर रहे हो ना तब आपको चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सारी मिल जाती हैं, और फिर याद आता है अच्छा तो वो यहाँ पर रखी थी मैंने। अच्छा, ये जी एक और आ गए, इसको भी मैं साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं ना एक आपके साथ बात शेयर करती हूँ कि मैं ना ये जो होता है ना एक ब्रांडेड मेकअप लेना, जी ब्रांडेड लेना, मैं ना इस हक़ में नहीं हूँ। हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जिसको बहुत अच्छा मेकअप आता है, वो तो कर सकते हो, वो तो ले सकते हो, लेकिन जिनको नहीं आता है ना, और वो अगर ज़िद्द करें ना कि यार, क्योंकि मेरा मानना है ना ये है कि यार आपको ना ऐसी फजूल चीज़ों पर ना पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए यार, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक ना था आई शेडो पैलेट ही था ये भी, ये देखिए इतना प्यारा कलर था, ये टीपिंग सा। अच्छा, ये ड्राई नहीं था, देखिए गंद जो है वो आपके सामने ही है, ये सारा मैंने साफ करना है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो फेंक देती हूँ, और बाकी जो है ना
वो इनको अच्छे से मैं रख देती हूँ। जाबिल देख लें, स्कूल से आ चुका है और जाबिल फटाफट आ गया क्योंकि जाबिल का फेवरेट सामान है मेकअप, मेरी चीज़ ना। बच्चे मुझे तंग करने लग गए थे यानी कि कल, तो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, लिहाजा मुझे गंद भी समेटना था, तो इस वजह से वीडियो जो थी वो मैं शूट नहीं कर सकी। मैंने सारा साफ़ सफाई कर ली, मैंने बैग्स में सारा जो था मेकअप वो ट्रांसफ़र कर लिया। मैंने सोचा आपको बैग्स में से जो साफ़ सुथरा किया है मेकअप वो वहाँ से दिखा दूँगी आपको, क्योंकि बच्चों के साथ यार वीडियो बनाना, फिर बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, चीज़ें भी पकड़ रहे होते हैं, फिर वीडियो में भी जो है वो सही एक्टिव रहना पड़ता, तो नहीं होता है काम ना। तो यहाँ इसमें ना मेरी सारी पेंसिल्स ब्रशेज आ रही हूँ, आई पेंसिल।